जी, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या मूवमेंट्स, मूवमेंट्स जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है और क्या बताता है। मूवमेंट्स आपको बताएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस पर्सन ने बता दिया कंपोजिशन, अमाउंट ऑफ वेरिएशन। स्क्यूनेस ने बता दिया शेप और डायरेक्शन। इसने बता दिया क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक का मतलब आता है, आपने जो स्क्यूनेस बताया, स्क्यूनेस का मतलब था लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बात कर रहा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि उसकी विशेषता एक ऐसी है। जैसे आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन की इसमें क्लास में सारी गर्ल्स है, ये करेक्टरिस्टिक्स होगी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। वन, मोस्टली स्टूडेंट राइट साइड लेफ्ट साइड में बैठे हैं, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स होगी। अब ये सारी बातें ये बात करेगा, देखना ध्यान से कैसे करता है। मूवमेंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, पहले होता है आपका सेंट्रल मूवमेंट्स। सेंट्रल मतलब मीन के साथ मूवमेंट्स, ठीक है। तो सेंट्रल मूवमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन, और कौन सा मीन है ये, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और कैसे निकलेगा, एक्स माइनस में मीन, और जो भी मूवमेंट्स ये ना वो उतना ही मूवमेंट डिवाइड में एन। देखो कैसे, आ जाओ यहाँ पे, इससे यहाँ पे आने से पहले आप यहाँ देखिए, हम निकालते हैं फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट्स। फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस में मीन और इसका समीशन डिवाइड में एन, और इसकी पावर एन, ये है ना। अब आपको वन चाहिए ना, तो वन के लिए वन कर दो, वन के लिए क्या कर दो, वन कर दो, ठीक है। अब एक आपको एक बात पता होगी, अब ये एक प्रॉपर्टी है मीन की, वैसे भी पता होगा कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, और ये चाहिए कितना, ये हो तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकेंड देखो, सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट वो कैसे निकलेगा, समीशन एक्स माइनस मीन और इसकी पावर डिवाइड में एन। किसका फॉर्मूला बना, देखो मेरी बात ध्यान से सुना, ये किसका फॉर्मूला बना, स्टैंडर्ड डेविएशन का, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करें तो क्या बन जाता है, वेरिएंस। तो स्क्वायर कर दिया तो ये कट जाएगा, और कट कटते ही आपका क्या बन जाएगा, ये वेरिएंस। तो जब आप देखो ध्यान से क्या बना है, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। थर्ड निकालना है तो थर्ड वर्ड बनता कुछ नहीं है, लेकिन काम का आपके पास ऐसे ही लिखो, थ्री डिवाइड में एन, बनेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं बनता इससे, आपने कुछ नहीं निकाला, फोर डिवाइड में एन, आ गई समझ में। फोर्थ निकालना है तो ये थर्ड बना आपके पास, ये फोर्थ बना, ये वेरिएंस बना, ये आपका जीरो बना, क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कि आपका फर्स्ट मूवमेंट बना आपका जीरो के साथ, सेकंड आपका वेरिएंस, और दूसरा और तीसरा को यूज करेंगे हम, प्लस नहीं करना, यूज करेंगे ना तो उससे स्क्यूनेस निकलेगी, और सेकंड और फोर्थ को यूज करेंगे तो कोर्टोसिस निकलेगा, अभी आगे निकालेंगे, ठीक है। थर्ड निकालना आ गया ना, कैसे निकालना है, चार ऐसे ना निकालने आप सो भी सकते हो, निकालने को हजार भी सकते हो, लेकिन हमें चार काम के होते हैं, इसलिए हम चार ही लिए, क्योंकि चारों में आपकी सारी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट हो जाती है। सेकेंड आया आपके पास अज्यूम मीन। एक और चीज देखो, ये आपका मीन लिखा है यहाँ पर, देखो एक्स माइनस अज्यूम मीन, और यहाँ पर आपने क्या लिखा है, इसको ना म्यू से नहीं दिखाते आप, इसको दिखाते हैं वी वन से, ठीक है, किसे दिखाते हैं, वी वन से, ठीक है, इसको दिखा, हाँ इसको दिखाते, इसको आप उसी दिखाओगे। देखो इसका कोई यूज नहीं, हमें बस निकालना आना चाहिए, इसका क्या है, जो आपका अज्यूम मीन का है ना, तो सिंपल सा आपने वहां पर मीन निकाला था, एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ आपने अज्यूम मीन निकाल दिया, यहाँ पर अज्यूम मीन, यहाँ पर अज्यूम मीन, यहाँ पर, इसका कोई यूज नहीं है, बस हमें पता है कि इससे निकल सकता है, ठीक है। फोर्थ जो थर्ड आपके पास आया, मूवमेंट्स अबाउट जीरो और ओरिजिन। अब देखो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो मूवमेंट है आपने सभी में से जीरो कर डिडक्ट करना है, एक्स माइनस जीरो, और इसका वन लिखा, समीशन एक्स हो गया ना नीचे, समीशन एक्स हो जाएगा, ऐसे बना ना, देखो एक्स एक्स माइनस जीरो, और नीचे क्या लिखा, समीशन एक्स माइनस जीरो, और ये क्या है, एक्स आ गया, और ये डिवाइड में एन, और ये क्या है आपका, मीन की इक्वल होता है। अब ध्यान से समझना, फर्स्ट मूवमेंट आ जाए अबाउट जीरो तो वो होता है आपका मीन के इक्वल,
और फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन आ जाए तो होता है जीरो इज इक्वल, याद रहेगा। सेकंड मूवमेंट अबाउट जीरो आ जाए कुछ नहीं होता। वैसे पीछे आपने पढ़ा कि सेकंड मूवमेंट अबाउट अरिथमेटिक मीन, तो वो आपका क्या है, वेरिएंस इक्वल, बस तीन ये याद रखना है, ठीक है। सेकंड मूवमेंट निकाला तो कुछ नहीं है, समीशन एक्स के डिवाइडमेंट, थर्ड ऐसे निकल जाएगा, फोर्थ ऐसे निकल जाएगा, कोई काम का नहीं है हमें। बस हमें क्या क्या काम का लगा आपको पता है, हमें ये काम के लगे हैं, हमें चाहिए क्या, फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट अबाउट मीन, ये किसके इक्वल है, फर्स्ट। दूसरी जो चीज पढ़ी आपने, सेकंड मूवमेंट्स अबाउट मीन, ये क्या है आपके पास, वेरिएंस के इक्वल, उसका फॉर्मूला भी बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट जीरो, ये क्या है आपके पास, मीन के इक्वल, ये था, यही पढ़ा आपने, ठीक है। और आपके लिए जो काम का है क्या, बाय यूजिंग सेकेंड मूवमेंट्स, वो कौन से, अबाउट अबाउट मीन एंड थर्ड मूवमेंट्स अबाउट मीन, इसे क्या निकल सकते हैं, स्क्यूनेस, ठीक है। और फोर्थ जो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी आई, बाय यूजिंग कौन कौन से, सेकेंड एंड फोर्थ मूवमेंट्स अबाउट मीन, वो क्या निकाल देंगे आपके पास, वर्टेसेस। आ गए समझ में, सारे क्वेश्चन आपके हो गए, आपको इसी तरीके कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स हुआ, ये आपका, ये देखो क्या क्या निकाल सकते हैं आप, मूवमेंट्स आपके लिए क्या बता देगा, सेंट्रल टेंडेंसी से। अब वही बात है ना कि ये सेंटर है, इसे फीचर्स बता देंगे, सारे इधर बैठे हैं, ये फीचर्स बता दिए आपने, कौन किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, सारी बता देगा, बता देगा कि कैसी वेरिएबिलिटी है, उसकी एसिमेट्रिकल हाइट कैसी है, मतलब उसकी स्क्यूनेस भी बता देगा, उसकी कोडोसिस भी बता देगा, उसका मीन क्या होगा वो भी बता देगा, उसकी जीरो वैल्यू क्या होगी वो भी बता देगा, देखो सब बता रहा है, ठीक है। मूवमेंट्स देखो आपने देख लिया, ये चार अभी लिखा आपने, मीन वेरिएंस और इससे ये निकाल, देखो देखो स्क्यूनेस कैसे निकलता है, ध्यान से देखना, आराम से फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। स्क्यूनेस निकालना है ना, स्क्यूनेस को पहले तो डिनोट करते हैं किससे, आपका बीटा वन से, रूट बीटा वन या बीटा वन, बीटा वन से डिनोट कर रहे हो आप, क्या करना है आपने लिखा सेकेंड और थर्ड से निकलना है, सेकेंड और थर्ड से, तो थर्ड को स्क्वेयर कर, थर्ड का क्या करो, स्क्वेयर करो, डिवाइड कर दो सेकेंड की क्यूब से, इनवर्स कर दो, बस स्क्यूनेस आ जाएगा। क्या किया आपने, थर्ड का स्क्वेयर और सेकंड का क्यूब कर दिया, आपके पास क्या आ गया, स्क्यूनेस आ गया। और क्रोटेसिस निकालना है ना, सिंपल सा करना है बस, आपने क्या, फोर्थ को जो आपका मूवमेंट्स आए उसको सेकंड के स्क्वेयर से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपके पास क्रोटेसिस। आ गया समझ में, कोई डाउट है, हाँ जी ठीक है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब ये देखो, और आप निकालने के लिए इसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसे भी निकाल सकते हो, तो ये देखो बीटा एंड गामा कोफिशिएंट बेस्ड ऑन मूवमेंट्स, ये अभी आपने निकाला, बीटा वन किसको बोला आपने, बीटा वन बोला आपने स्क्यूनेस को, तो स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला था कि जो थर्ड जो आपका मूवमेंट है उसका स्क्वेयर कर दो और सेकंड की क्यूब कर दो, ठीक है। इसी से देखो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रूट करके ज़्यादा वैल्यू आजकल ज़्यादा यूज होती है, ये कोई ये नहीं कि आपको एक ही राइटर एक ही तरीके की बात बोलाएगा, कोई कहेगा बीटा वन से कंपेयर कर लो, कोई कहेगा कि रूट बीटा वन से कर लो, तो दोनों ही ठीक है जिसमें आप सूटेबल हो, बेसिकली ज़्यादा ये यूज़ होती है। रूट करने से क्या होगा, रूट करने से ये होगा, इसका स्केयर कट जाएगा, नीचे रह जाएगा इसका रूट, ठीक है बीटा। दूसरा गामा बोलते हैं कर्टेसिस के लिए, तो ये देखो बीटा टू फोर ये आया आपके पास, अब इसको जब आपने कंपेयर करना है ना, अगर इसकी वैल्यू जीरो से करनी है तो माइनस थ्री कर दो बस, बीटा टू में से क्या कम कर दो, थ्री के साथ मल्टीप्लाई, क्यों क्यों करेंगे इसकी, आगे आप कर्टेसिस में पढ़ोगे कि इसकी वैल्यू आप थ्री के साथ कंपेयर करते हो, ठीक है। तो देखो बीटा रूट बीटा वन को जीरो के तो कह रहे तो सिमेट्रिकल है, रूट बीटा वन ग्रेटर देन जीरो तो आप कहोगे पॉजिटिव स्क्यूड है, और रूट ऑफ बीटा वन लेस देन जीरो तो आप कहोगे नेगेटिव स्क्यूड,
आ गया समझ में? कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आ गया? पूरा पूरा मूवमेंट्स यही था जो भी अभी तक आपने पढ़ा, कैसे काम करता ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, कर्टेसिस भी पढ़ ही लेते हैं ना, थोड़ा सा ही रहता है।